खबर मिल रही है जम्मूतवी ट्रेन में बम होने की खबर मिली है। कासू बेगू स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया, चेकिंग के लिए जम्मूतवी ट्रेन रोक दी गई है। सुरक्षा बल ट्रेन की चेकिंग कर रहे हैं। लगातार इस तरह की धमकियां मिलना और बम होने की जानकारी मिलना ये लगातार बढ़ रही है। इस पर प्रशासन को लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जम्मूतवी ट्रेन में बम होने की खबर मिली है, कैसे शिकायत मिली, कैसे जानकारी मिली ये आप तक अपडेट करेंगे। लेकिन कासू बेगू स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया है, चेकिंग के लिए जम्मूतवी ट्रेन रोकी गई है। जाहिर सी बात है जितने पैसेंजर्स हैं, जितने यात्री हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो, ताकि अगर जैसे उन्हें जानकारी मिलेगी कि इसी ट्रेन में जिसमें वो सफर कर रहे हैं वहां पर बम होने की जानकारी है तो हड़कंप मच सकता है, खलबली मच सकती है। और इसे लेकर ये चुनौती भी हो जाती है कि पैसेंजर से भरी ट्रेन पर सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग की जाए। फिलहाल ट्रेन को रोक दिया गया स्टेशन पर, कासू बेगू स्टेशन बताया गया जहां पर ट्रेन को रोका गया है और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए चेकिंग शुरू कर दी गई है। जम्मूतवी ट्रेन में बम होने की जानकारी, कैसे ये जानकारी मिली या फिर किसकी शिकायत या फोन पर धमकी मिली या मेल आया, जो भी जानकारी मिलेगी अब तक सबसे पहले फर्स्ट इंडिया अपडेट करेगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, जानकारी मिलते ही तुरंत प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा और सुरक्षा बल ट्रेन की चेकिंग शुरू कर चुके हैं। तो फिलहाल चेकिंग के लिए जम्मूतवी ट्रेन को रोक दिया गया है, सुरक्षा बल ट्रेन की चेकिंग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जम्मूतवी ट्रेन में बम होने की जानकारी मिली है और ऐसे में कासू बेगू स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया है। कोशिश इस बात को लेकर कि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो, पैसेंजर्स जो है वो परेशान ना हो और उसी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद खास हो जाता है कि पैसेंजर से भरी ट्रेन में कैसे चेकिंग अभियान को कंप्लीट किया जाए। कासू बेगू स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया है और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्द तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से चेकिंग अभियान को शुरू किया गया है, कैसे सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि यात्रियों की सुरक्षा को भी ध्यान रखना है और ऐसे में उनको सुरक्षा पहुंचाने के मकसद से इस अभियान को शुरू किया गया है, क्योंकि बॉम्ब होने की जानकारी मिली है और ये इसे किसी भी लिहाज से लापरवाही भरिए नजरिए से नहीं देखा जा सकता, चाहे किसी शरारती तत्व की करतूत हो या किसी का मजाक हो। बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया गया है और ये ट्रेन जरा देखिएगा, हो सकता है कि यात्रियों को बाहर भी निकाला गया हो ताकि वो सुरक्षित बाहर निकल सके, उसके बाद पूरी ट्रेन को चेक किया जाए। चेकिंग के लिए जम्मूतवी ट्रेन को रोक दिया गया है और ये सभी प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद, चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया और जाहिर सी बात है बॉम्ब स्क्वाड टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद होगी और सुरक्षा बलों द्वारा हर एक इलाके से, हर एक तरीके से कोने कोने में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, जैसा कि हम आपको कह रहे थे, क्योंकि जो यात्री हैं वो भी परेशान ना हो, हड़कंप ना मचे और इसीलिए सभी यात्रियों को फिलहाल बाहर निकाला गया है। सभी यात्रियों को इस ट्रेन से बाहर जाने के लिए कहा, अभी वो इंतजार कर रहे हैं स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर। कासू बेगू स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया है, सुरक्षा अभियान, चेकिंग अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया हर एक तरीके से, हर एक मानकों से। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है और ये वही ट्रेन है, जरा देखिए जम्मूतवी ट्रेन है, उसको रोका गया है, चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया क्योंकि बॉम्ब होने की जानकारी मिली है। इस तो अलावा जेडी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम्स होंदी है पंजाब पुलिस दी, और तीन टीमें हुण आ रही ने इत्थे। इस तो अलावा जेडी बीएसएफ दी डॉग स्क्वाड टीम है, साडी डॉग स्क्वाड टीम है, वो सारे इत्थे मौजूद ने। पब्लिक यहाँ पे पीसफुली बिठाई गई है, वो सारे नु दस्या गया है कि ये सिचुएशन है और असी उनू पूरी कॉन्फिडेंटली टैकल कर रहे हैं। किन्नी देर तक ट्रेन चल सकती है, किन्नी देर लगेगी चेकिंग के? नहीं, ये पूरी जेडी चेकिंग है हुणे जारी है, इहदे विच थोड़ा समय लगेगा, उहदे बाद पूरा जब सानू ऑल क्लीयर मिल जांदा है जिहड़ी स्पैशलाइज्ड टीम है उन्हां दे वल्लों, ते उस तो बाद आरपीएफ एंड जीआरपी दे अधिकारी वल्लों ही ये ट्रेन चलाई जाएगी। जिहड़ी साडी सूचना है जम्मू तावी से अहमदाबाद की ओर जा रही सीगी, जब इन्फॉर्मेशन मिली तो ये फिरोजपुर क्रॉस कर रही सीगी, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिहड़ा कुलगढ़ी रेलवे स्टेशन है कासू बेगू, उत्थे ये मौजूद सीगी, उत्थे इसे इमीजिएटली रोका गया है, ते बाकी जिहड़े एज पर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सारे, वो सारे कुछ फॉलो किए गए। ये सारी डिटेल्स असीं तुहानूं बाद च दे सकते हैं, जो लोकल पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई वो कंट्रोल रूम च आई है, बाकी जिहड़ी अदर इन्फॉर्मेशन है तुसीं जीआरपी ते आरपीएफ के जिहड़े अधिकारी हैं उन्हां दे नाल तालमेल करके पता कर सकते हो जी। थैंक यू।
जो सवाल था कि आखिर इन्फॉर्मेशन मिली कैसे, उसे लेकर अभी क्लियर नहीं किया गया। ये जरूर जानकारी मिली है कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने यहां पर कंट्रोल रूम में पूरे तरीके से जानकारी साझा की। उसके बाद तुरंत जैसे ही जानकारी मिली कि कासुबेगू स्टेशन पर ट्रेन पहुंची है, इमीडिएटली इसे रोका गया और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया।